हरिया देवी नमस्कार जय हर्ष्यम और भवानी शंकर महाराणा प्रताप की राजतीलक स्थली उदयपुर के अंदर राजस्थान के अंदर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्यारा सा गांव गोगुंदा वहां से बिलोंग करते हैं और इस सिस्टम में आने से पहले सूरत के अंदर एक चाय की दुकान चलाते थे लेकिन चाय की दुकान को चलाते 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 दस साल निकले दस साल के बाद ऊपर वाले का भेजा हुआ एक दूत अपनी जिंदगी के अंदर आया और उन्होंने आकर के मेरे को हकीकत से वाकिफ करवाया भवानी शंकर जी कब तक यहाँ पर रहेंगे एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप दो साल पार्ट टाइम करें दो साल के बाद अपने शिफ्ट हो सकते हैं उस इंसान की अगर आज मैं बात करूं सुबह जब उठता हूं मम्मी के चरण स्पर्श करता हूं और ऊपर वाले को याद करता हूं लेकिन उस इंसान का नाम ना नहीं बोलता हूँ जिसने भवानी शंकर को आश्रम सिस्टम दिया ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ा खुशी का दिन है कि इस पूरे हिंदुस्तान की आश्रम बिजनेस की आत्मा इस दिलों की धड़कन मान्य दिनेश जी चौधरी साहब आज हमारे बीच में है की हमारे गुडोट के दीपक की हमारे बीच में है आज दोनों का जो दो मिलन है जो तो जो होना जा रहा है तो प्रकृति को लेकर कई सारे हैं थिम्हारे थिम्हारे के सेमिनार में नहीं सुना। लेकिन आज सुनने को मिलते हैं तो समय ज्यादा अपन लेंगे तो मैं आप सभी चीजें सहयोग से वही करने जा रहा हूँ मान्य आप बताए और आपके त्रिपुर से पूरे हिंदुस्तान की जो टीम आज आपके साथ जुड़ी है उसको तो उसमें कुछ ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें सर ताकि लोग जीव बचा पाए लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाए वेलकम सर पधार धन्यवाद थैंक यू थैंक यू भवानी शंकर जी और हेलो हेलो जी सर हाँ जी सर ओके कंप्लीट सर ओके ओके थैंक यू और जय आर सी एम नमस्कार सबको और जैसा हमने आपसे कहा था कि हर संडे हम किसी न किसी टाइटल पर बात करेंगे और पहले संडे हमने अलग टाइटल पे बात की और आज का हमारा टाइटल है प्राकृतिक का हम 10 परसेंट साथ दें तो प्राकृतिक हमारा कितना साथ दे सकती है और कितना साथ देती है इस चीज पर आज हमारा टॉपिक रहेगा और ये टाइटल हमने क्यों चुना क्योंकि आज हमारे बीच उसी टाइटल से संबंधित जो गुड डॉट के ऑनर मिलेंगे हमसे बात करेंगे तो इस टाइटल को इसलिए हमने सेलेक्ट किया अगले संडे हम तीसरे टाइटल के साथ आएंगे जो न्यूट्रीचार्ज के मनीषा मैम रहेंगे सरोज रहेंगे और वो टाइटल रहेगा कि अगर हम बेटी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये देश कितने कदम आगे बढ़ेगा तो इस तरह हर चीज पर हम बात करेंगे और इन्हीं सारी चीजों पर जिनसे भी टॉपिक से हम बात करेंगे वो आर से रिलेटेड रहेंगी आर में वो चीज आपके साथ काम करेगी और इसको आप महसूस भी करेंगे अब प्रश्न आता है कि ये टाइटल हमने आज क्यों लिया आज आप देख रहे हैं प्राकृतिक अनबैलेंस हो गई ये जो महामारी है ये उसी का कहीं ना कहीं लक्षण है क्यों अनबैलेंस हो गई और क्यों हो जाती है आज इस चीज को समझे आप कभी देखना एक छोटा बच्चा होता है ना पांच छह साल का या चार पांच साल का तो जब वो कभी लेटा हुआ हो और अपनी मस्ती में लेटा हुआ मोबाइल देख रहा है या जो भी तो कई बार क्या होता है उसके पास में बैठा हुआ बड़ा व्यक्ति जो है ना उसको छेड़ता रहता है देखना कभी 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 उसके पैर में कुछ कर देगा कभी इधर से दाब देगा तो कभी उसकी शर्ट खींच देगा तो काफी टाइम तक वो छोटा बच्चा सहन करता रहता है लेकिन जब उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है तो वो कई बार ऐसा काम कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते कई बार तो ऐसा भी हो जाता है वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उठ के अः रिपीट चाटा भी मार देता है। फिर वो ये नहीं देखता ये मेरे पास में चाचा जी है या मेरी माँ है या कोई है क्योंकि वो बहुत टाइम तक सहन कर रहा था और जो उसको छेड़ रहा था उसने उसकी सीमा को नहीं समझा इसी तरह ये प्राकृतिक अनबैलेंस हो गई इसके साथ बहुत समय से इसी तरह की छेड़छाड़ होती आई है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं जैसे आप देखते हो आज फोर लाइन कट कर जब फोर लाइन बन रही है बड़े बड़े पहाड़ों को हटाया जा रहा है जबकि आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि पहाड़ देवता है पहाड़ में जीव है पहाड़ निर्जीव नहीं है उसको देवता का रूप दिया गया है भौतिक चीज ठीक है लेकिन उसके बैलेंस में आपको कुछ उसको रिटर्न देना पड़ेगा देना पड़ता है जैसे आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाना बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ हूं और वहां जाके आप एक आवाज देना किसी का नाम लेना जैसे आपने नाम लिया श्याम आपने एक बार लिया आज का हमारा टाइटल वही है आप किसी को दस परसेंट दोगे इस प्राकृतिक को ये कितने गुना रिटर्न करती है आप देखना आपने एक बार नाम लिया श्याम वहां कोई स्पीकर लगा हुआ नहीं है वहां कोई माइक नहीं है लेकिन फिर भी वहां से रिटर्न आवाज आती है कम से कम दस पंद्रह बार श्याम 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 यानी वो क्या सिखाना चाहती है प्राकृतिक आप मेरे को जो भी एक बार दोगे मैं उसका दस गुना रिपीट करती हूँ लेकिन मेरे को बैलेंस में भी रखना पड़ेगा आज आपको पता है भौतिक चीजों के लिए पेड़ों को हटाया जा रहा है बड़ी बड़ी मल्टिया बनाई जा रही है अब प्रश्न यह नहीं है क्या इन भौतिक चीजों को ना बनाए पेड़ को ना हटाए हटाना चाहिए लेकिन उसकी जगह नया पेड़ लगाना यह भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि यह प्राकृतिक अनबैलेंस ना हो आप देखते हो डिस्कवरी में दिखाया जाता है आउट ऑफ इंडिया वहां बड़े पेड़ों को शिफ्ट करते हैं वो अगर फोरलाइन बनाते हुए बीच में बड़ा वृक्ष आ गया तो वो एक बड़ी मशीन के द्वारा उस वृक्ष को शिफ्ट करते हैं ये जानते हैं हमारे कई सीनियर कई पढ़े लिखे लोग जानते हैं इन चीजों को और वो भारत में भी होता है लेकिन कई जगह इस चीज को अनदेखी कर दिया जाता है अभी ऑक्सीजन की महामारी है ऑक्सीजन के लिए आदमी अपनी जान दे रहा है आपको पता है ऑक्सीजन वृक्षी तो देता है हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़ एट्टी परसेंट ऑक्सीजन देता है बड़ का पेड़ और पिछहत्तर परसेंट ऑक्सीजन देता है नीम का पेड़ मेरे को बहुत खुशी हुई अभी हम डेढ़ महीने उदयपुर थे अंडर वर्ल्ड का काम चल रहा है अभी लॉकडाउन की वजह से हालांकि हो गया बस ये महामारी के बाद हम उसको ओपन करेंगे मैं भारत के कई शहरों में गया हूं लेकिन मैंने जितने नीम के वृक्ष उदयपुर सिटी के अंदर देखे मैंने अपने जीवन में नीम के इतने वृक्ष कहीं नहीं देखे शायद इसीलिए मैंने वहां सोचा क्योंकि जब मैं वंडरवर्ल्ड ट्यूथ का काम देखने जाता था हमारे भवानी शंकर जी भगवती जी मोहन जी अमृत भाई वगैरह और वहां की लोकल टीम तो जब मैं जाता था बीच बीच में तो मैं शायद इन चीजों को मैं बहुत प्रैक्टिकल एनालिस करता हूँ कि शायद दुनिया के तीन शहरों में उदयपुर का नाम क्यों है शायद एक परसेंट हिस्सा उन नीम के पेड़ों का भी हो सकता है हमें अगर वृक्ष काटने का अधिकार है तो हमें उतने वृक्ष लगाने का भी अधिकार है यह निर्जीव नहीं है आपको क्या लगता है आप याद करो पहले टाइम में गाँवों में जब शादियां होती थी ना अभी भी बहुत गाँवों में रिवाज है तो जिस समय वहां उस समय दस रुपए का चलन था तो जब वो पांच दस रुपए दिए जाते थे ना तो उसको डायरी में लिखा जाता था तो लोग पूछते थे क्यों लिख रहे हो बोले कहीं भूल ना जाए इसका रिटर्न करना है जो इससे किया है तो आपने जो पेड़ काटा है वो पेड़ लगाना आपकी जिम्मेदारी भी तो है उसको रिटर्न देना पड़ता है ये रीति रिवाज तो सदियों से पूर्वजों के आते हुए आए हैं पुराने टाइम में आज तो नहीं जानते हम इस चीज को बहुत लोग नहीं जानते लेकिन जो आज भी उन संस्कारों से जुड़े हुए जानते हैं आज भी और पुराने टाइम में शाम के बाद माता पिता बोलते थे इस पेड़ को छूना मत उसकी पत्ती तोड़ना तो दूर बात रही छूना मत ये जग जाएगा इसका मतलब पेड़ भी सोता है क्यों वो सजीव है उसके अंदर जीव है आप बढ़ा रहे उसको वो बढ़ता है फल देता है सजीव है वो पहाड़ को देवता कहा गया है पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं इसी वजह से शायद जैसा शुरू में हमने कहा था ना बच्चा एक समय तक उस छेड़छाड़ को बर्दाश्त करता है आप उसको कभी विजुलाइज़ करना और अपने घर में उसको विजुलाइज करना उस बच्चे को आप छेड़ते रहना वो काफी टाइम सहन करता है उसको लगता भी है ये मेरे से बड़े हैं मेरे को रिटर्न नहीं बोलना चाहिए कुछ कहना भी नहीं चाहिए कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहिए लेकिन जब छेड़छाड़ की सीमा उस बच्चे की सहनशीलता के बाहर हो जाती है तो वो रिपीट कई बार ऐसे बार कर देता है जो अच्छे नहीं है वही टाइम अभी है ये सब प्राकृतिक से छेड़छाड़ है आपको क्या लगता है दुनिया जिसने बनाई है ना उसने ही सारी दुनिया की रचना की है वो सबको पालता है सबको वो ही पालता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पत्थर जो बिल्कुल बंद है उसके अंदर भी कीड़ा अपना जीवन जी रहा है जब उसको तोड़ा जाता है तो लोग आश्चर्य करते इसके अंदर इसको भोजन कौन देता होगा वो दुनिया का मालिक है बस फर्क कितना है दुनिया उसी ने बनाई है बस वो इंसान को ज्यादा प्यार करता है आप देखना करता सबको है इंसान को ज्यादा करता है इंसान में भी जैसे ब्राह्मण समाज को ज्यादा करता है बस फर्क कितना है लेकिन वो प्यार सबको करता है और अगर कोई किसी के अधिकार के साथ गलत करेगा तो उस दिन वो उसकी पुकार सुनता है और उसका रिप्लाई करता है जो आज कर रहा है ये वो ही रिप्लाई है आप देखो आप कई बार देखते हो फोर लाइन जब बनता है अगर उस पर किसी का घर आता है ना तो गवर्नमेंट ये बोलती है आप चिंता मत करो हम आपके घर को तोड़ रहे हैं तो आपका दूसरी जगह हम इससे अच्छा घर बनवाएंगे अच्छा नहीं तो सेम तो ही देंगे तो जब हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले उतना देना ये अधिकार में आता है नहीं देंगे नहीं भी दे सकते क्योंकि जो आदमी बड़ा होता है ना वो छोटों को दबा सकता है आप हमेशा सुनते हो लेकिन जो दुनिया का मालिक है उसको तो कोई नहीं दबा सकता और ये कहावत है पुरानी गांव में आपने सुना होगा कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और लोग बोलते भी हैं कि इसको बहुत सताया जा रहा है लेकिन इसकी पुकार कोई नहीं सुनेगा कई बार होता है ना कॉलोनी में एक व्यक्ति को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और थोड़े से स्ट्रांग लोग होते हैं तो फिर वहां से कोई आदमी निकलता हुआ बोलता है आप इसको तकलीफ तो दे रहे हो लेकिन इस दुनिया के मालिक ने इसको भी इस दुनिया में पहुंचाया कोई इसकी नहीं सुनेगा वो तो सुनेगा और इसी समय उस प्राकृतिक के ऊपर वाले ने सुनी है आप स्थिति देखो इस वायरस ने सरकार को हिला दिया जो कहते हैं ना अभी पिछले समय में जब चीन हमारी सीमा के अंदर जब विवाद हुआ तो आप देखो कितने हथियार कितनी सेना लेकिन इस वायरस का ना तो वो सेना कुछ कर पा रही है ना सेना कुछ कर पा रही है ना थल सेना कुछ कर पा रही है ना जल सेना कुछ कर पा रही है ना वो बम ना वो तोपे कुछ कर पा रही है यहां वो ही कहावज होती है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती क्यों हमने उसको अनबैलेंस कर दिया अब कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है एक तो आपसे सबसे निवेदन है आपके घर में अगर वृक्ष है तो उसको रहने दो कोई काट दिया है तो उसके बदले आप कहीं भी लगाओ खेत पे लगा सकते हो बाहर लगा सकते हो सरकार लगवाती है ना दूसरा जो चीजें आपको रिपीट नहीं बोल सकती आपने कोई वृक्ष काटा आपको पास खड़े हुए वृक्षों को देखकर क्या लगता है उनकी अपनी लैंग्वेज में वो रो पड़ते हुए क्या हमारे भाई को मार दिया शिफ्ट किया जा सकता था तो उनको दुख नहीं होता वो कहते कोई बात नहीं हमारे पास नहीं रहेगा दूसरी जगह रहेगा लेकिन जिंदा तो रहेगा आज जो हमारे बीच दीपक जी गुड डॉट से है ना इसीलिए उन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज हम उस पर बात करना चाहेंगे फिर हम दीपक जी को इनवाइट करेंगे जितने भी पशु पक्षी हैं दुनिया में जितने भी जानवर हैं हमने अभी हमने बीच में एक लाइन कही थी बनाए सब उसने ही सबको प्यार करता है इंसान को ज्यादा करता है इंसान में ब्राह्मण समझ को ज्यादा करता है लेकिन वो प्यार तो उन जानवरों को भी करता है क्योंकि एक बंद पत्थर के अंदर उस को भी वो भोजन दे रहा है हमने क्या कर दिया आप कभी सोचो कई बार होता था ना पुराने टाइम में जब सेना में लोगों की जरूरत पड़ती थी उस समय सेना में लोग बच्चों को नहीं भेजते थे तो गरीब माता पिता के बच्चों को प्रशासन जबरदस्ती ले जाता था वो उनके सामने माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे जो मजबूत होते थे वो नहीं बेचते थे आपको क्या लगता है उन माता-पिता के दिल से क्या निकलता होगा उन बच्चों को उन ले जाने वालों के। बच्चे के लिए तो शायद ये निकलता होगा कि भगवान इसको लंबी उम्र दी ये सुरक्षित रहे लेकिन उन ले जाने वालों के लिए यह निकलता होगा कि जिस जगह हमारे बच्चे को ले जाने एक दिन भगवान भी इनके बच्चे को उसी जगह ले जाए आज आपको पता है विदेशों में चिकन मटन खत्म होता जा रहा है भारत में बढ़ता जा रहा है वहां भी पहले बहुत हुआ वो भी प्राकृतिक अनबैलेंस हुई हमारी भी हो गई अब आप सोचो एक जानवर चाहे वो बकरी हो चाहे वो भैंस हो चाहे वो गाय हो और हमारे देश में तो बहुत तरह के मीट खाए जाते हैं बहुत तरह के चिकन मटन खाए जाते हैं जो माता पिता वहां बंधे हुए हैं वहां से जब उनके बच्चे को खोल के लाया जाता है क्या लगता है कभी विजुलाइज़ करना और कभी एनालाइसिस करना इस चीज और देखना उस गाय भैंस या किसी भी जानवर को जिसका बच्चा वो खोल के लाए जाता उसके सामने मार दिया जाता है उस जानवर की आंख में भी पानी आ जाता है लेकिन इस मारने वाले की आंख में नहीं उस समय वो बेबस है क्योंकि दुनिया के मालिक ने आपको उससे मजबूत बनाया जैसे आज सरकार मजबूत है ना हमसे वो अगर हमारा घर गिराना चाहे गिरा सकती आप कुछ नहीं कर सकते वो तो कहेगी रूल में है, यहाँ सड़क बनी गिरा दिया हमने उस बच्चे को उस समय उसके माता पिता ऊपर वाले को एक बात बोलते होंगे तूने हमें कमजोर क्यों बनाया हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए या फिर तू तो कुछ कर इनका जो नहीं मानते आज आपको क्या लगता है लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए लाख रुपए देने को तैयार है सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट शायद पर्वतों की उन्हीं पेड़ों की शायद करुण पुकार होगी जिसको ऊपर वाले ने सुना आपको क्या लगता है ये वायरल पता नहीं कितने वायरल आएंगे जब भी ये धरती अनबैलेंस होगी इस तरह की चीजें ऊपर वाला निर्मित करेगा क्योंकि उसको पता इन कमजोरों को हक दिलाना जरूरी है और प्राकृतिक सिखाती है हम हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक इशारा करती है उससे आप समझ जाओ जो आपको समझना है अब यहां प्रश्न आता है मैं किसी पर्टिकुलर समाज के विरोध में नहीं आज हर समाज खाता है बस कहीं फर्क है कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है लेकिन हर समाज खा रहा है थैंक्स देना चाहिए दीपक जी को गुड डॉट की टीम को आप देखते थे बहुत पहले गुटके चलते थे पाउच चलते थे लेकिन धीरे धीरे उनको अपग्रेड किया गया कि आदमी को ज्यादा नुकसान ना हो आज सोयो कंपनियां गुटका और पाउच बेचती है हम आपके शौक को खत्म नहीं करना चाहते हम आपके स्वाद को खत्म नहीं करना चाहते गुड डॉट ने शायद उस पर बहुत मेहनत की और ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है आपका टेस्ट नहीं बदलेगा और जिससे प्राकृतिक अनबैलेंस नहीं होगी आज क्योंकि हम आरसीएम में है ना तो पूरे भारत से जुड़े हुए हैं ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मन विचलित हो जाता है उन घटनाओं को सुनकर और अभी तो न्यूज पे ओपन दिखा रहे हैं, अभी गुजरात सरकार कह रही है दिल्ली सरकार कह रही है कि इस महामारी में जो बच्चे बचे हैं और माता पिता परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बचा उनको सरकार पढ़ाएगी उनका सरकार लालन पोषण करेगी आप विचार करो माता पिता को क्यों छीन लिया इस प्राकृतिक ने अरे बच्चा तो छोटा होता है उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है उस पर ज्यादा अटैक करना चाहिए था वायरस को लेकिन ये प्राकृतिक सिखाना चाहती है क्यों क्योंकि जिस समय उस जानवर के बच्चे को जिसने मारा उसके माता पिता ने उससे प्रार्थना की कि हमें अगर कमजोर बनाया है तो हमें न्याय दिला और उसने वो ही किया बच्चा बच गया माता पिता नहीं बचे तो आपसे निवेदन है इस महामारी के टाइम में आप आज सबको कह रहे हो ना स्वस्थ रहो डिजिटल से जुड़ो एजुकेशन लो फिजिकली काम नहीं करना ग्रुप का ध्यान रखना है एक मुहिम छिड़ी हुई है आज से हमें संकल्प लेना चाहिए इस प्रकृति के लिए एक मुहिम छिड़ बात करो इसी तरह जैसा आज डिजिटल पे कर रहे एक कोटेशन ये भी होना चाहिए आपका खान पीन आप देखते हो ना खान पीन सुधरने से बहुत फर्क पड़ता है विचारों में फर्क पड़ता है आप जितना सात्विक और शुद्ध खाओगे उतने आपके विचार शुद्ध रहेंगे आपकी सोच उतनी अच्छी रहेगी आपका बात करने का तरीका उतना अच्छा रहेगा आपके अंदर सहनशीलता रहेगी आपको गुस्सा नहीं आएगा जिस तरह की चीजों का हम अनुसरण करते आप देखना आज ऑक्सीजन की जरूरत है अगर आज वो वृक्ष होते या हम उसकी जगह वृक्ष लगाते ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती मतलब उस वृक्ष को देखो वो कहता है कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे उसको मैं भोजन के रूप में ले लूंगा आपकी गलत चीज को और मैं आपको वो चीज दूंगा जो आपको ऑक्सीजन चाहिए अनबैलेंस नहीं करना कहीं अगर आज के भौतिक सुख के लिए कोई वृक्ष काटना पड़ता है तो हम एक नया वृक्ष लगाए और लास्ट में हम अपनी बात को उसी टॉपिक पे खत्म करेंगे हम फिर दीपक जी को बुलाएंगे हमने कहा था इस धरती को एक चीज दो आरसी मूसी पे काम करता है अब आपको समझ में आएगा आप कभी इस धरती को एक मक्की का दाना देना ध्यान से सुनना एक मक्की का दाना यहाँ किसान परिवार से काफी लोग हैं, वो एक दिया है आपने इस धरती को उस एक दाने से वो वृक्ष बनाती है एक पेड़ बनाती है उस पेड़ पर पे जब वो मक्की जिसको भुट्टा बोलते हैं उस भुट्टे में दानों को देखना आप कितना विधिवत जमाती है इतनी सीधी लाइन आप नहीं बना सकते आप बोते हुए आपकी सीधी लाइन नहीं होती आपका एक दाना इधर गिरता है एक इधर गिरता है लेकिन वो धरती कहती है आपने मेरे को कैसा भी दिया लेकिन आपको मैं कितना सिस्टम से देती हूं उसके ऊपर रेसे ऊपर से कवर कितना सिक्योर्ड दिया है उसने आपको ये नियम है धरती का ये प्राकृतिक का नियम है आप उसको जितना दोगे वो कई गुना देगी यही आरसीएम है आरसीएम में आपको क्या लगता है ए और बी ग्रुप में एक दाना ही तो बोया था आपने कभी बोया था आज आप देखो डेढ़ करोड़ से दाने ज्यादा दिए हैं ने इस भारत को कैसे कैसे दाने दिए हैं सोचो आप कैसे कैसे दाने दिए आज हमारे स्टार रूबी क्या इनकम होती है क्या लाइफ स्टाइल होती है कितने सफायर कितने स्टार सफायर डायमंड आज अगर हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने हमारे रूबी हैं कितने हमारे स्टार हैं कितने हमारे एमरोल्ड हैं कितने हमारे टेक्निकल हैं जिस समाज को भारत आगे नहीं लाना चाहता था एक प्रथा थी हम प्रथा के विरोध में नहीं है महिला समाज आज आप देख रहे हो इस डिजिटल के टाइम पे छोटी छोटी बच्चियां वो कमाल कर रही हैं जो एक लीडरशिप अचीवर उस तरह का बोल नहीं पाता हम सबका प्रयास होना चाहिए अगला संडे हमारा वही टॉपिक रहेगा सरोज चौधरी साथ रहेंगे आपके मनीषा सा मैम साथ रहेंगे और इसी तरह का टॉपिक रहेगा कि अगर हम बेटियों को महिलाओं को एक कदम आगे लाते हैं तो ये देश कितने कदम आगे जाता है जिस तरह आज हमने बात की कि इस प्रकृति को एक मक्की का दाना दो ये कितना रिटर्न करती है आप देखना आपको खुद महसूस होगा और लास्ट में बस ये बात कहके हम दीपक जी को इनवाइट करेंगे आज कि इस प्राकृतिक को हमें ध्यान रखना है जिस तरह की ये महामारी है सोच के रोहक आप जाती है जिस तरह की न्यूज आ रही है नदी के अंदर पता नहीं क्या क्या और माता पिता बस बच्चा बच्चा है बेटी बची है छोटी सी माता पिता नहीं किसी परिवार से चार चार लोग चले गए बस आप विचार करना ये क्यों हुआ ऐसा बहुत अनबैलेंस हो गया और शायद उस प्राकृतिक की करुणा भरी पुकार उस ऊपर वाले ने सुनी बस वो अब ना सुने हमें प्रयास तो करना चाहिए हम सब एक मुहिम छोड़ें अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसा आप काम करते हैं और ये प्राकृतिक हमें साथ दे वैसा ही ये भारत देश वापस वैसा ही खुशहाल हो बहुत जल्दी हम इस महामारी से बाहर निकले आप सबने सुना हम फिर अगले संडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जे आर सी एम नमस्कार थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद और अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पहली बार सिद्ध कर दिया कि जीव को बचा करके लोगों का टेस्ट भी खत्म नहीं करे और एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया उस प्रोडक्ट की पूरे भारत के अंदर बहुत डिमांड है तो ऐसे हमारे कुंडोट के डायरेक्टर माननीय दीपक जी परियार सर मैं चाहूंगा सर आप बजा हैं और हमारी इस पूरी टीम को हिंदुस्तान की पूरी टीम को आप एक ऐसा आपके सही मुख से ऐसा कुछ बताया ताकि सब लोग इस मुहिम के अंदर जैसे सर ने अभी प्रकृति के ऊपर बताया इस मुहिम के अंदर हम सब लोग सहयोग कर सके तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही जोरदार रहेगा सर तो आप पधारे और आपके त्रिमुख से आपसे वचन दे सर दीपक जी सर कमान पधारे सर वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी 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 सर धन्यवाद दिनेश जी पिछली बार भी हम मिले थे यही डिजिटल मीटिंग में और शायद उस मीटिंग से सर प्रेरणा चालू हुई कि मुझे कुछ बात शेयर करनी है पूरे आरसीएम परिवार के साथ उस दिन जो आपकी बात थी जो दर्द मैंने आपसे सुना कहीं न कहीं दर्द छुपा रखा था अंदर वो दर्द बाहर आया उस दिन आपके सामने मीटिंग में हम कितनी पीड़ा से और आज भी मुझे लग रहा है वही सीक्वेंस चालू है समय वास्तव में परीक्षा ले रहा है हमारी और जैसा दिनेश जी कह रहे थे अभी कि हमारे धर्म में तो माना जाता है कि कण कण में भगवान है आप मतलब अगर कोई रेत का कण भी हम उठा रहे हैं तो उसमें भी भगवान है सर प्लांट की आपने बात कही मुझे लगता है हिंदुस्तान की धरती का ही वो वैज्ञानिक था पहला जैसी वो उस दिनों प्लांट में पहली बार बताया कि इसमें जीवन होता है दुनिया कभी मानती नहीं थी कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि उसमें रिसर्च जितनी आगे और बढ़नी चाहिए थी अगर सन 1905 में किसी ने उठ के बता दिया कि नहीं आपके पौधों में जीवन होता है पिछले सवा सौ साल में हम उस रिसर्च को आगे नहीं ले पाए तो साथियों जब प्लांट में जीवन है तो इस धरती पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहां हम देखिए वहां जीवन ना हो और जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि हम एक देते हैं बदले में दस मिलता है हम दस परसेंट देंगे प्रकृति हमें सौ परसेंट देगी वास्तव में देगी और आप बुरा करोगे तो सहन भी ले, कर लेगी प्रकृति हमारे माता पिता की तरह है आप रूट जाओ आप हम बच्चे की तरह है मार भी दे चार पांच बार बाल भी नोच नोचले पांच बार दस बार पंद्रह बार मुझे लगता है इस बार हमारी तरफ से अति हुई है जो माता पिता कभी गुस्सा नहीं करते थे जिन माता पिता ने हमेशा हमें बर्दाश्त किया पहली बार शायद हमें धूप में खड़ा कर दिया है हमें ले जाके बाहर खड़ा कर दिया है जहां ले जाके हमें बताया गया कि भैया तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तुम बच्चे हो तुम अगर इस घर के नियम के हिसाब से रहोगे जो घर में ईश्वर ने या हमारी प्रकृति ने जो नियम बना रखा है उस नियम के हिसाब से रहोगे तो सारा घर तुम्हारा है इस घर के तुम मालिक हो पर बार बार अगर नियम तोड़ोगे तो फिर घर के बाहर जाके खड़ा होना निकाला नहीं है साथियों मुझे लगता है शायद हाथ ही बाहर किया है आज हमारा बस धूप में एक बार हाथ निकाल के देख बाहर कैसे चलता है और उस हाथ जलने में ही हमारे ये हाल हो गए हैं कि सारी दुनिया सारा समाज त्राही त्राही कर रहा है मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं दादा आज हजार लोग अभी हमारी बात सुन रहे हैं एक एक की आत्मा से ये आवाज निकल रही होगी एक एक के मन से ही आवाज निकल रही होगी कि बस ये खत्म हो जाए जितनी परीक्षा लेनी थी ईश्वर ने ले ली अब ये खत्म हो जाए और साथियों यहाँ जो दिनेश जी ने आज जो बात बोली कि नहीं प्रकृति को हम जो देंगे बदले में प्रकृति हमें देगी हमें आज ये तय करना है कि हम क्या सैक्रीफाइस करने के लिए तैयार है हम हमारी आदतें कितना बदलने के लिए तैयार है हम हमारे जीवन को कितना टर्न अराउंड करने के लिए तैयार हैं हमने एक बार मन में ठान लिया कि नहीं हमें बदलाव करना है यकीन मानिए हम एक कदम उठाएंगे उधर से हजार कदम उठेंगे हम एक अच्छी बात करने का सोचेंगे उधर से हजार बातें अच्छी होगी साथियों जर्नी हमारी गुड डॉट की दिनेश जी ने ने भी शेयर किया है हम भी हर बार मैं भी हर बार बोलता आया हूं कि नहीं हमारी जर्नी अच्छाई की जर्नी है हमारी जर्नी में हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जीवन जो है प्रकृति में अगर जीवन जैसा मुझे दिया है ईश्वर ने वैसा जीवन सब लोगों को दिया है वैसा ही सारे जानवरों को दिया है इम्बेलेंस जो हुआ है साथियों जो प्रकृति के साथ जो इम्बेलेंस हुआ है कहीं न कहीं उसकी पीड़ा हमने भुगती है तो जो बात हम कर रहे थे बुरे और बुराई की जो मैंने कहा कि हम आ, हमारे माता पिता के थोड़े बुरे बच्चे साबित हो गए शायद हमने कुछ बुराई कर ली कलेक्टिवली एक मैंने नहीं एक आपने नहीं एक किसी आदमी ने नहीं कलेक्टिवली अगर मैं 800 करोड़ रहने वाले इंसानों की बात करूं तो सामूहिक तौर पर हमने कुछ ऐसा बुरा किया जो बुरे का चक्र शायद हमारे ऊपर वापस आ गया और साथियों बुरे का चक्र ऐसा आया है जी शायद आपसे बात नहीं हुई जो मैं एक एक बात जो इस इस फेज में और समझ में आई है हमने पीड़ा भुगती है देखिए हम सब ने पीड़ा भुगती है पर दो समाज के ऐसे अंग हैं जो हमारे हर घर में है मेरे मन में ये लगता है कि उन लोगों ने सबसे ज्यादा पीड़ा भुगती है पहले तो हमारे बच्चे आ, मेरे भी पंद्रह साल का बेटा है पांच साल की बेटी है एक साल से हम उनका जीवन बिल्कुल जेल जैसा हो रखा है न पढ़ने के लिए कुछ है न दोस्तों से मिलने के लिए कुछ है न खेलने के लिए कुछ है न सीखने के लिए कुछ है एक चार दीवारी में हमारे बच्चे बंद होके रहते हैं मानते हैं इस बात को कि हमारे बच्चों ने बहुत पीड़ा भुगती है हाथ खड़ा करें अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे जो घर में बैठे हैं उन्होंने पीड़ा भुगती है उन्होंने दर्द भुगता है इस एक साल का स्कूल के पते नहीं क्लास के पते नहीं खेलने के पते नहीं दिन भर घर में बैठे हैं खाना खाएं सुबह खाना खाएं शाम को खाना खाएं सो जाएं एक घड़ी की तरह हमने उनका जीवन कर दिया है साथियों पहली पूरी पीड़ा भुगती हमारे बच्चों ने दूसरी पीड़ा और जो मुझे लगता है इससे कई गुना पीड़ा भुगती है हमारे बुजुर्गों ने जो 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं। 65 साल की उम्र के ऊपर सरकार ने गाइडलाइन निकाल दी कि नहीं आपको घर पर बैठना है बाहर नहीं जाना आप ये आप सोच के देखिए एक पैंसठ साल का बुजुर्ग मेरे दादा या दादी जो घर में बैठे हैं जिनके यार दोस्त उनके पास नहीं है जीवन में मात्र एक एक संतोष हुआ करता था कि नहीं मैं दोस्तों से जाके मिल लूंगा बाहर जाके उनके साथ बैठ जाऊंगा गार्डन में घूम के आ जाऊंगा उनको हमने आठ बाई आठ दस बाई दस बारह बाई बारह के कमरे में बंद करके रख दिया है साथी और उसके बाद उनकी पीड़ा उनका डर चौबीस घंटे का कहर के नहीं भैया कोरोना आपके लिए बहुत खतरनाक है कोरोना की बीमारी आपके लिए बहुत खतरनाक है आप इस पीड़ा को साथियों एक बार इमेजिन कीजिए आप सोच के देखिए मुझे लगता है दुनिया की कोई जेल इतनी बुरी नहीं होगी जितना बुरा हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है आज आज के साथियों आज आज के के साथियों इस बुराई के को हमें तोड़ना है आज हम अगर बात करने आए हैं प्रकृति को वापस देने की कुछ अच्छा करने की हमें इस बुराई के चक्र को तोड़ना है हमें अच्छाई के चक्र में आना है और अच्छाई के चक्र में आने के साथ आज मैं चाहता हूं कुछ आपसे वादे लेना देखिए दिनेश जी की टीम हमेशा से ही मेरी बहुत प्यारी टीम रही है बहुत सपोर्ट मिला है गुड डॉट के प्रोडक्ट को आपने बहुत आगे बढ़ाया है आज प्रोडक्ट की बात तो मैं करूंगा थोड़ी आपके साथ पर ज्यादा बात जो आज का टॉपिक है हमारा हमें प्रकृति को बदलना है प्रकृति के साथ हमें हमारे जीवन को बदलना है वो कैसे हम करें वो बात करेंगे और उस बात के लिए मैं आपसे कुछ वादे लेना चाहूंगा आज कुछ प्रॉमिस लेना चाहूंगा कुछ बातें ऐसी है जो मन की आपके साथ कहना चाहूंगा दिल की कुछ बात कहना चाहूंगा जो मुझे लगता है आज की जरूरत है पिछले पैतालीस दिन में साथियों एक दिन ऐसा नहीं गया जब या तो आंख से आंसू निकल आए या अंदर से आत्मा रूगी एक दिन ऐसा नहीं गया जब कोई न कोई तकलीफ इस दिल तक नहीं पहुंची एक भी दिन ऐसा नहीं गया तो साथियों आज इस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम बात करेंगे पहली बात तो जो आपके साथ कहना चाहता हूं साथियों इस कोरोना से डरना नहीं है इस बीमारी से डरना नहीं है बिल्कुल मन में एक ही बात ठान लेनी है इससे हम डरेंगे नहीं क्यों नहीं डरेंगे इसलिए नहीं डरेंगे कि यह बीमारी यहां रहने के लिए आई है आप मेरी बात का यकीन करिएगा ये, ये बीमारी यहां रहने के लिए आई है चिकनगुनिया आया यहां का होकर रह गया डेंगू आया यहां का होकर रह गया स्वाइन फ्लू आया यहां का होकर रह गया ये भी फ्लू है जाएगा नहीं साथी जब नहीं जाएगा तो उसको फिर हमें हमारे साथ बिठाना पड़ेगा उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी या उसकी औकात अगर ज्यादा है तो हमें हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं भाई हम तेरे से ऊपर है तो पहली बात साथियों कोरोना से डरना नहीं इससे लड़ना है और हमारे पास बहुत ऑप्शन है मैं आप बात करूंगा आप आरसीएम परिवार से जुड़े हैं जुड़े हुए हैं हम अच्छे स्वास्थ्य की अच्छे खाने की हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं आज उस बात को मन में बिठाना है तो पहला वादा जो मैं आपसे लेना चाहता हूं पहली बात जो आपको कहना चाहता हूं वो बात यह है साथियों हमारे बच्चे तैयार हैं परिवर्तन के लिए हमारे मैंने मेरे घर में महसूस किया है मेरे बच्चों के साथ महसूस किया है कि वो चेंज चाहते हैं हमारे बच्चे अगर चेंज चाहते हैं साथियों तो और हर बच्चे के लिए उसके पिता और माता उनके हीरो होते हैं हर बच्चे के लिए दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके लिए उसका पिता हीरो नहीं होता तो आज मैं चाहता हूं कि आप जो हीरो हैं अपने बच्चे के लिए वो हीरो दिन में आधा घंटा निकाले रोज हम घर पे बैठे हैं कोई मुश्किल नहीं है आधा घंटा दिन में निकाले बच्चों के साथ बैठे परिवार के साथ बैठे अच्छाई की बात करें अच्छे खाने की बात करें अच्छी सीख की बात करें दिनेश जी जो रोज टॉपिक ले रहे हैं इस मीटिंग में पहली मीटिंग में एक अलग टॉपिक लिया आज हम प्रकृति की बात कर रहे हैं अगले मीटिंग में बेटी बेटी की बात करेंगे ये बातें हम परिवार के साथ करें कोरोना के बारे में बताएं उससे लड़ने के बारे में बताएं इम्यूनिटी के बारे में बताएं तो पहला वादा जो आज मैं आपसे चाहता हूं यह दिल की बात है आपसे बहुत बहुत मतलब प्रार्थना करना चाहो तो मैं प्रार्थना भी कर सकता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि नहीं ये आपको बात करनी होगी मेरे लिए करनी होगी हमारे समाज के लिए करनी होगी अपने परिवारों के लिए करनी होगी अगर हमें बदलाव लाना है अगर और साथियों विकल्प नहीं है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है हमारे पास इस बदलाव के अलावा अगर हमें बदलाव लाना है जो लाना ही पड़ेगा तो आपको एक वादा करना है कि आज से अभी से हम परिवार के साथ बैठेंगे आधा घंटा रोज और अच्छी और सच्ची और जो तो समझ वाली बात है वो बात करेंगे और आपके बच्चे यकीन मानिएगा आपकी बात को सर आंखों पे रखेंगे तो करते हैं वादा इस बात का साथियों हाथ खड़ा करें एक बार मैं सारे साथियों के हाथ देखना चाहता हूं एक बार जितने साथी मेरे साथ हैं एक बार सबके हाथ खड़े देखना चाहता हूं सबके मुंह पे मुस्कान देखना चाहता हूं सबके मुख पे मुस्कान देखना चाहता हूं कि नहीं हम बदलाव के लिए तैयार हैं और हम बदलाव करके रहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में जो ताकत है साथियों जहां हम बैठे हैं वो ताकत है हम चाहे सब कुछ बदल सकता है एक बार बस खाली मन में यह भरोसा जताना है कि नहीं हम बदल के रहेंगे डरना नहीं है कोरोना से सामना करना है और परिवार के साथ बैठना है पहली बात का आपने वादा किया मन से धन्यवाद देता हूं आपको एक बार आप इस बात की शुरुआत कीजिए देखिए यकीनन दुनिया बदल जाएगी अच्छे अच्छाई की हमने बात करी साथियों दिनेश जी आपके सामने एक बात कह रहे थे कि नहीं मीट इंडस्ट्री में क्राइसिस है मीट लोगों ने खाना बंद कर दिया है और यकीन मानिए ये हमारे यहां कम हो रहा है दुनिया में ज्यादा हो रहा है हिंदुस्तान में भी अगर आज की मैं बात करूं तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद है मटन चिकन की दुकानें बंद है करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में उसके बिना गुजारा हो रहा है साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का व्यापार है साथियों पूरी दुनिया की अगर, अगर अपन बात कर दुनिया की बात करें तो पता नहीं सवा सौ लाख करोड़ का व्यापार है खाली हिंदुस्तान की बात करें तो साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है ये इंडस्ट्री खत्म होने पे आ गई है और अगर ये इंडस्ट्री खत्म होने पे आ गई है और इतना बड़ा व्यापार है और इतनी बुराइयां इसके साथ जुड़ी हुई है कोविड वायरस भी हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जानवरों से हमारे बीच आया है जानवरों से म्यूटेट होकर हमारे बीच आया है और उसके बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आता किसी को समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है ये स्लाइड जो साथियों आपके सामने है अभी नीट की बुराई की जो स्लाइड आपके सामने है इसको एक बार आंखों में बिठा लीजिए ये सही समय है साथियों इसको खत्म करने का किसी हॉस्पिटल के वार्ड का फोटो लगता है इमरजेंसी आईसीयू वार्ड का फोटो लगता है अगर मैं इन बीमारियों का नाम लू कैंसर का वार्ड ब्रेन स्ट्रोक का वार्ड हार्ट अटैक का वार्ड ये वार्ड हम घर में लेके आते हैं हिंदुस्तान की 80 प्रतिशत आबादी ये बीमारियां अपने घर में लेके आती है पैसा देखें, के अनहाइजीनिक इतनी बीमारियां देने वाली चीज अपने घर में लेके आती है हमें ये याद रखना है साथियों और अगर हम ये याद रखेंगे साथियों तो ये इतना बड़ा जो व्यापार है मीट की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है साथियों ये खत्म होने के कगार पे है बिल गेट्स ने 2040 बोला था आज मैं आपके सामने कहता हूं अगले दस साल में दुनिया बदल जाएगी दुनिया में मीट खाने वाले उंगलियों पर गिनने लायक बचेंगे और वो वो लोग होंगे जो आंख पे पट्टी बांध के आगे बढ़ेंगे और अगर हमने इस बात को समझ लिया आज के दिन हमने हमारे प्रोडक्ट की ताकत को समझ लिया एक बार तो यकीन मानिए भविष्य हमारा है भविष्य गुड डॉट का है भविष्य गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट का है भविष्य आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म का है एक बार भरोसा जताना है एक बार खुद की ताकत पे भरोसा जताना है और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा आज हजार लोग मेरी बात सुन रहे हैं अभी हजार लोग बहुत बड़ी ताकत होती है साथियों मैं कहता हूं हजार भी नहीं चाहिए एक आदमी में भी बहुत ताकत होती है एक आदमी चाहे तो सब कुछ बदल सकता है हर बदलाव की शुरुआत एक आदमी से होती है आज ये मत सोचिएगा कि मेरे अकेले से क्या होगा ये सोचिएगा कि मैंने अगर बदलाव नहीं किया तो कितना बुरा हो जाएगा आज एक बार इस ढंग को, को बदल दीजिए इस सोचने के तरीके को बदल दीजिए कि मैंने अगर बदलाव नहीं किया तो कितना बुरा हो जाएगा आज से अपनी सोच को यह लाना है न कि यह कि मेरे अकेले से करने से क्या बदल जाएगा नहीं ऐसा नहीं है आप एक नहीं बदले तो शायद आप एक के पीछे जो हजार लाख लोग बदल सकते थे वो नहीं बदल पाएंगे एक परिवार में जो बदलाव आना था वो बदलाव नहीं हो पाएगा तो इस बात को कूट कूट कर दिमाग में बिठा लीजिए कि बदलाव की शुरुआत यहां से होगी सबसे पहले बदलाव की शुरुआत मुझसे होगी और अगर हमने आज बदलाव नहीं किया साथियों इस समय अगर हम बदल नहीं पाए तो मुझे लगता है हमारे पास अगली बार बदलने का मौका नहीं होगा डर लगता है कहते हुए रोम रोम खड़े हैं मेरे हाथ के ये बात आपसे कहते हुए पर यकीन मानिए अगर हम इस बार नहीं बदले तो हमारे पास बदलने का मौका नहीं आएगा इससे ज्यादा प्रकृति हमें समझा नहीं सकती इससे ज्यादा अगर हमने हमें समझाने की कोशिश की तो साथियों हम डायनासोर हो जाएंगे जो एक दिन में यहां से खत्म हो गए एक क्षण में यहां से खत्म हो गए बदलाव की शुरुआत आपको करनी है बदलाव आप कर सकते हैं मुझे पूरा भरोसा है जिस प्लेटफॉर्म से आप आते हैं जिस ताकत से आप आते हैं जिन लीडर्स की बात आप सुनते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि आप अकेले अगर बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा तो साथियों भविष्य हमारा है और ये जो प्लेटफॉर्म की बात मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं बार बार ये आरसीएम के प्लेटफॉर्म की बात कह रहा हूं जिस दिन से मैं आरसीएम के साथ जुड़ा हूं 2017 में गुड डॉट की बात कहूं या 2013 में जब मैं पहली बार जुड़ा पहले दिन से यह भरोसा है कि अगर कोई बदलाव का प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में हो सकता है तो यह आरसीएम का प्लेटफॉर्म हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती कोई धार्मिक मंच नहीं हो सकता कोई और चीज इतनी तेजी से बदलाव नहीं ला सकती जितना तेजी से बदलाव आप लोग ला सकते हैं धर्म जाति स्टेट राज्य जिला देश भाषा सबसे परे आरसीएम का प्लेटफॉर्म है मैं क्या सोचता हूं मेरी मानसिकता क्या है मैं किस धर्म को बिलोंग करता हूं मैं किस भगवान को मानता हूं कोई लेना देना नहीं इस प्लेटफॉर्म पे सब जने एक साथ है पूरे हिंदुस्तान को ये प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करता है इसलिए मुझे लगता है कि अगर बदलाव हो सकता है तो आरसीएम सी एम के प्लेटफॉर्म के साथ हो सकता है और अगर कोई सही समय है इस बदलाव को लाने का साथियों तो वो सही समय अब है प्रोडक्ट की बात इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू दो प्रोडक्ट की बात आपके सामने करूंगा जो मुझे लगता है सारे आपके बीच में प्रोडक्ट आ चुके हैं वैसे वेजिटेरियन बाइट आप सब लोगों ने खाया है मुझे लगता है एक बार हाथ खड़ा करें अगर आप सब लोगों ने वेजिटेरियन बाइट का घर में उपयोग किया है करी बना के खाई है या बिरयानी बना के खाई है साथियों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आज के समय में ये और अच्छा हो गया है आज के समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इसके लिए मैं थोड़ी सी वेज बाइट की बात करना चाहता हूं आपके सामने प्लांट से बना हुआ है अगर हम अच्छाई और बुराई की बात करें तो ये लाल जो दिख रहा है खतरे का निशान वो सारे मीट है अलग अलग तरह के मटन से लेकर चिकन से लेकर मछली से लेकर पोर्क से लेकर बीफ तक ये सारे लाल जो निशान है वो सारे मीट के हैं और अगर मैं हमारे गुड डॉट की बात करूं अपने गुड डॉट की बात करूं तो कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है न्यूट्रिशन के मामले में जहां हम मीट से 21 नहीं कहूंगा हम 30 हम 40 नहीं है और जहां तक बुरे इंग्रेडिएंट की बात है बुरे तत्वों की बात है मीट में साथियों कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है अगर हम बुरे फैट की बात करें तो मीट के अंदर 20 ग्राम 25 ग्राम तक बुरा फैट होता है हमारे अंदर साथियों राइस ब्रान ऑयल है एपी ऑर्गेनिक का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है आपके वेजिटेरियन डाइट्स में उसके बाद साथियों प्रोटीन्स मुझे लगता है अगेन हाथ नहीं खड़े कराऊंगा इस बार क्योंकि मुझे पता है आरसीएम के हर घर में ये पैकेट जाता ही जाता है और जितना आरसीएम ने हमें इस प्रोडक्ट की ताकत के बारे में बताया है प्रोटीन चिली से लेकर प्रोटीज पकोड़ा से लेकर मोमोज और पता नहीं कितने डिशेस आप लोगों ने हमारे साथ बना के शेयर की है आज इन दोनों प्रोडक्ट की बात करना जब मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं कोरोना से मुकाबले की बात कर रहा हूँ क्यों मैं वेस्टबाइट और प्रोटीज की बात कर रहा हूं आपके सामने ये स्लाइड है साथियों आपके सामने ये डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री है पिछले दिनों इन्होंने कई जगह पे मैं खाली केंद्र सरकार का एक मॉड्यूल ले रहा हूँ उसके अलावा सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेडिकल बॉडीज ने बहुत सारे डॉक्टर्स ने यह बात कही है आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा भरपूर है तो कोरोना आपको नहीं हरा सकता कोविड का वायरस आपको नहीं हरा सकता ये प्रूवन बात है साथियों पूरी दुनिया में प्रूवन बात है कि आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा लेना पड़ेगा मैं अगर उदयपुर की बात करूं यहाँ पे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बहुत सारे डॉक्टर क्योंकि मैं यहां बैठा हूँ बहुत डॉक्टर से मुलाकात है उनको हमने जो प्रोटीज और वेज बाइट इनकी अच्छाई के बारे में बताया उन्होंने अपने कोविड पेशेंट को रिकवरी प्रोटोकॉल में प्रिस्क्रिप्शन यानी जैसे दवाई लिखते हैं उस तरह से वेज बाइट और प्रोटीज खाने के लिए लिख के देना चालू कर दिया है तो दूसरा जो वादा आपसे आज चाहिए वो वादा ये चाहिए कि घर में एक डाइट रोज सुबह शाम या दोपहर हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है देखिए हाई प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो हमारे वेज बाइट में दूसरे नॉन वेज के मुकाबले बहुत जा, बहुत ज्यादा प्रोटीन है अगर हमारे प्रोटीन की हम बात करें तो वेजिटेरियन दाल में होता है पच्चीस ग्राम प्रोटीन मिल्क में होता है पांच ग्राम प्रोटीन हमारे प्रोटीन्स में छप्पन ग्राम प्रोटीन है पर हंड्रेड ग्राम तो दूसरा वादा जो आपसे आज, आज, आज आपसे चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए चाहिए वो वादा है कि हम दिन में एक डाइट सुबह शाम या दोपहर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे करते हैं ये वादा मेरे से भले ही आप गुड डॉट का वेज बाइट लीजिए भले ही आप न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट शेक पीजिए या भले ही आप कोई भी प्रोटीन आरसीएम के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है वादा आपसे ये है कि एक डाइट दिन में हाई प्रोटीन होनी चाहिए हाथ खड़ा करें एक बार और मेरी भाभी जो मेरी बात सुन रही है गृहणियां जो बात सुन रही है मेरी बहनें जो मेरी बात सुन रही है जितनी स्क्रीन पे है आपकी जिम्मेदारी है दिन में एक डाइट हमें हमारे परिवार को हम हमारे बच्चों को बुजुर्गों को हाई प्रोटीन डाइट खिलानी है पक्का वादा मुट्ठी बंद करके एक बार भूल नहीं जाए वापस याद दिलाना पड़ेगा इस मीटिंग के बाद एक बार वापस मैं भी याद दिलाऊंगा आपको और इस मीटिंग के बाद फिर से वापस रिपीट करना है हमने क्या क्या बात कही है तो पहली बात परिवार के साथ बैठेंगे दूसरी बात हम हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे इसके बाद आपके वेजिटेरियन डाइट के अलावा वेजिटेरियन बिरयानी और पुलाव भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी प्रोटीन है अब आते हैं आज की महत्वपूर्ण बात पे जो मुझे लगता है जिस प्रोडक्ट की वास्तविक ताकत अगर मैं कहूं या जिस प्रोडक्ट का रूप अगर निखर के आया है इस वो इस काल में आया है लोगों ने अगर वास्तव में अगर प्रोडक्ट को समझा है वो इस काल में समझा है साथियों गुडसिप की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा आपके सामने गुडसिप की शुरुआत कैसे हुई जो साथी मुझे लगता है कुछ साथियों ने पहले सुनी होगी जो साथी आज नए आए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा मैं फरवरी में दुबई गया था साथियों पिछले साल फरवरी में जब हिंदुस्तान में कोविड नहीं आया था तब दुनिया भर में कुछ कुछ केसेज आ गए थे हमारे यहाँ तीन चार केसेज आए थे तब मैंने मेरी टीम को कहा था कि एक इम्यूनिटी ड्रिंक बना दीजिए जो मैं साथ में ले जाऊं डब्बे में भर के और जहां मैं रोज पी सकूं तो उसके बाद पंद्रह बीस दिन में उन्होंने वो कुछ टेस्ट वेस्ट बैठा के गुडसिप का वो पाउडर बना दिया उस समय हमने गुडसिप नाम नहीं दिया था मैं दुबई लेके गया मुझे अच्छा भी फील हुआ और जब मैं वापस आया दस पंद्रह दिन बाद तो पंद्रह दिन पीने के बाद इसकी आदत लग गई तो फिर उसके बाद कोविड हमारे यहाँ आ गया फिर मैंने टीसी सर से बात करी मैंने कहा सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है मुझे पी के बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कोई प्रोडक्ट हम अपने नेटवर्क में डाल सकते हैं क्या सर ने कहा दीपक जी आपको अच्छा लग रहा है आप डालिए नेटवर्क में तब तक साथियों विटामिन का रोल और कोरोना को हटाना यानी कोरोना का इलाज इनका आपस में कोई मर्जिंग का सिस्टम नहीं था अगर आप पिछले साल कुछ साथियों को याद होगा शुरू में विटामिन को लेकर और कोरोना को लेकर कोई ये नहीं कह रहा था कि विटामिन से कोरोना की बीमारी जाएगी अगस्त सितंबर आते आते पूरी दुनिया का प्रोटोकॉल बन गया आज अगर आप आपने भी घर में अगर दवाइयां देखी है या को, इम्यूनिटी कोई ड्रिंक पी रहे हैं या कोई गोलियां ले रहे हैं आप सबको पता है कि अगर हम विटामिन सी विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल अगर ले रहे हैं तो कोविड को हम भगा सकते हैं तो साथियों जो एक डीसी सर कई बार बात कहते हैं कि गुड डॉट में चीजें भगवान करा रहा है तो ये भी उसी यात्रा का पार्ट है गुड सिप भी शायद ईश्वर ने हमसे कराया जब हमें इस प्रोडक्ट की ताकत के बारे में नहीं पता था जब कारण पता नहीं थे तब यह प्रोडक्ट हमारे बीच में आया और साथियों जब से आया है उसके बाद देखिए ये कुछ रिसर्च है मैंने आपके सामने रखी है जैसे विटामिन सी से कोविड की फास्ट रिकवरी होती है उसके बाद विटामिन बी थ्री जो है अगर कोई एल्डरली है उनके लिए कोविड नाइनटीन से बचाव में बहुत जरूरी है उसी तरह विटामिन बी के बारे में ये रिसर्च पब्लिश हुई है इसी प्रकार जिंक के बारे में रिसर्च पब्लिश हुई है तो विटामिन तीनों विटामिन इसमें है और उसके साथ हमारा जो दादी नानी का नुस्खा है हमारे घर के इलाज है तुलसी से लेकर लौंग काली मिर्च आंवला एलोवेरा अदरक ये सब अच्छाइयां भी हमारे गुटसिप में हैं तो एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ हमारा पुराना ज्ञान है तो दोनों ही बातें गुटसिप में मिली हुई है और जहां तक स्वाद की बात है जितना रेस्पॉन्स मुझे मिला है जितने आरस परिवार से मैंने अभी तक बात करी है मुझे साथियों सौ परसेंट मिला है अभी तक एक भी साथी का अभी तक ऐसा नहीं आया सर इसमें ये कम कर दिए दीजिए या ये, ये ज्यादा कर दीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये और जिस तरह से प्रोटीन्स को आपने बदला है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आपने प्रोटीन्स का हमें बताया कि प्रोटीन से आप क्या क्या नहीं बना सकते उस तरह से गुडसिप को लेकर भी इतने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ये मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखी है मेरी भावियां बहने अगर देख रही है तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा आप अपने घर में ऐसे शुरुआत कर सकते हैं सादे पानी के साथ हमने शुरू किया था उसके बाद आरसीएम से ही हमें पता लगा कि नहीं सोडे के साथ पानी से ज्यादा अच्छा लगता है बच्चे कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगते अगर आप गुडसिप को सोडे में मिला के देंगे तो बच्चों को उसके बाद कोक और पेप्सी नहीं चाहिए उसके बाद गर्म पानी चाय वाला वो हमने कई बार आपके सामने भिजवाया कि नहीं चाय के साथ ले सकते हैं उसके बाद साथियों दही के साथ आप एक चम्मच दो चम्मच गुडसिप डाल दीजिए उसमें उसके बाद आम पन्ना में आप मिला सकते हैं गला अगर खराब है तो आरसीएम शहद के साथ ले सकते हैं बच्चों को अगर कैंडी खानी है ये आरसीएम के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके बच्चे ने हमें ये फोटो भेजे थे कि अंकल हमने गुडसिप की कैंडी बनाई तो अगर कैंडी बना सकते हैं और वो बोले हमें सर उसके बाद बाहर की अच्छी नहीं लग रही हम गुडसिप की कैंडी बना के खा रहे हैं तो आप घर पे एक गुडसिप की कैंडी बना सकते हैं और आप नींबू पानी के साथ यूज कर सकते हैं अगर हम इतनी तरह से यूज करते हैं एक चीज को तो देखिए साथियों पेप्सी कोला खत्म जलजीरा खत्म इनो खत्म ओआरएस का घोल खत्म लेमन टी खत्म ब्लैक टी खत्म मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है साथियों वो हजारों करोड़ का व्यापार करते हैं खाली कोक पेप्सी रोज के एक दो करोड़ तीन करोड़ बोतल हिंदुस्तान में बिक जाती है खाली कोक पेप्सी की बात कर रहा हूं मैं उसके बाद आपका पता नहीं कितना जलजीरा बिकता है कितना इनो बिकता है कितने ओ के घोल बिकते हैं कितनी लेमन टी बिकती है एक गुडसेप और सारी बीमारियों का इलाज एक पैकेट घर में या तो आप थैला भर के लाए बहुत सारी चीजें और या खाली एक गुडसेप ले आए तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है इस टाइम के लिए बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है यूज में आसान है आज जैसे अगर मुझे किसी साथी को ट्रायल कराना है भले मैं गर्मी में मिल रहा हूं भले सर्दी में मिल रहा हूँ गुडसिप का ट्रायल मैं पांच मिनट में करा सकता हूं खाली पानी में मिलाया पिला दिया उसके बाद तीन फायदे अगर मैं गुड़सिप को एक बार वापस इसकी बात बात को तो पहली बात तो पहली एनर्जी बनाए रखता है उसके बाद मेरी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन सी डी बी की अच्छाई है। उसके बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है तीन अच्छाई है साथियों और सबसे बड़ी ताकत की बात यह है कि ये मार्केट में मोनोपोली का प्रोडक्ट है आपने गुडसिप जैसा कोई प्रोडक्ट देखा है मार्केट में अगर हाथ खड़ा करें अगर कुछ नहीं दिखा मार्केट में ऐसा तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा सारे साथी हाथ खड़ा करें अगर हमारा जैसा गुडसिप जैसा प्रोडक्ट मार्केट में और कहीं नहीं है तो हाथ खड़ा करें एक बार तो आप सोच के देखिए साथियों सारे साथियों के हाथ एक साथ खड़े हो चुके हैं आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ताकत है आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज आज के दिन हिंदुस्तान के हर घर की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है और सिर्फ आपके पास है तो साथियों तीसरा वादा हमें जितने सदस्य घर में है उतने पाउच गुडसिप के रोज लेके आने हैं उतने पाउच गुडसिप हमें रोज वापरना है मुझे एक साल हो गया साथियों ईश्वर की दुआ है हाथ जोड़ता हूं वापस एक बार एक साल हो गया मैं एक दिन घर में नहीं बैठा हूं फैक्ट्री यार दोस्त किसी की बीमारी किसी का कुछ कभी हॉस्पिटल कभी ऑफिस एक दिन भी लॉकडाउन में मैं नहीं रहा इस प्रोडक्ट ने इतनी इम्यूनिटी दी है कि लड़ने की ताकत आ गई मैं ये नहीं कह रहा हूं कोरोना आएगा नहीं पर हमारा शरीर हमारे अंदर की ताकत इतनी हो जाएगी कि कोरोना सर्दी खांसी में बदल जाएगा कोरोना जो एक डर का रूप ले चुका है एक बार हमारी ताकत मजबूत हो गई तो ये मात्र सर्दी खांसी का रूप बन के रह जाएगा तो तीसरा वादा जितने सदस्य हैं उतने गुडसिप के पाउच हमें रोज वापरने हैं उसके बाद साथियों मेरी बात खत्म करूं उससे पहले थोड़ी सी बात नूडल्स की नूडल्स uh, में बहुत साथियों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है जिनके पास नहीं पहुंची है उनके लिए हमारे नूडल्स जो पहले ही बहुत हेल्दी थे अब जो नूडल आ रहे हैं आपके बीच वो हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ में आ रहे हैं तो जो पहले से हेल्दी थे अब वो सुपर हेल्दी हो गए हैं इनके अंदर हेल्थ गार्ड ऑयल की अच्छाई भी साथ में आ गई है और नूडल्स हमारे जब मैं कहता हूं दुनिया में सबसे हेल्दी नूडल है तो किस तरह से सबसे हेल्दी है देखिए सोना कैसा होता है सोने के अंदर सोना है या सोने के अंदर तांबा है या पीतल मिलाया हुआ है सही बात है ना भाई कितने कैरेट का सोना क्या आपने अंदर क्या डाला सोने के अंदर ज्वेलरी कैसी बनी तो मेरे नूडल कैसे बनेंगे उसके अंदर मैं क्या डालूंगा मार्केट में जो नूडल मिलते हैं उनके अंदर आटा या मैदा होता है या तो आटा नूडल आते हैं जैसे बीस रुपए का आटा नूडल आता है या बारह रुपए का मैदा के नूडल आते हैं दोनों ही चौबीस पच्चीस रुपए किलो की चीज है आप मैदा लेना चाहें मार्केट में तो भी पच्चीस रुपए किलो मिलता है आटा लेना चाहें तो भी पच्चीस तीस रुपए किलो मिलता है उसके बदले आपके जो नूडल है उनके अंदर साढ़े तीन सौ रुपए का पी प्रोटीन है दो सौ रुपए का सोया प्रोटीन है दो सौ रुपए किलो का साढ़े तीन सौ रुपए किलो का पी प्रोटीन है पैंतालीस रुपए किलो का ओट फ्लार है जब ऐसे इंग्रेडिएंट अपने नूडल्स के अंदर जाते हैं तो नतीजा क्या आता है हम किसी भी पैरामीटर में बाकियों के सामने नंबर वन पायदान पे खड़े हो जाते हैं गोल्ड मेडल किसे मिलता है गोल्ड मेडल हमें मिलता है प्रोटीन की बात करें तो दूसरों के मुकाबले पचास प्रतिशत ज्यादा प्रोटीन है अगर हम फाइबर की बात करें तो दूसरों के मुकाबले अस्सी प्रतिशत नब्बे प्रतिशत और शायद डबल भी डबल फाइबर हमारे अंदर है ये देखिए आपके सामने स्लाइड है पचास प्रतिशत ज्यादा प्रोटीन सौ प्रतिशत ज्यादा फाइबर यानी हमारे बच्चे जब ये नूडल खाते हैं तो उनको जो शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन पूरी मात्रा में मिल जाता है और सच कहूं तो जब ये नूडल की बात पहली बार हमारे सामने आई थी क्योंकि घर में भी बच्चे नूडल खाते थे तो बच्चे हमेशा ये सवाल सवाल पूछते थे कि जो चीज हमें टेस्टी लगती है वो कभी हेल्दी क्यों नहीं होती मम्मी को बोला आइसक्रीम खाना मम्मी बोले हेल्दी नहीं है मम्मी बोले पालक की सब्जी खानी बच्चे बोलते टेस्टी नहीं है तो कभी टेस्ट और हेल्थ आपस में मिल क्यों नहीं पाते मुझे लगता है आपके सबके घरों में भी ये सवाल उठता होगा बच्चे हमेशा ये बोलते होंगे कि नहीं हमें जो खाना है वो आप हमेशा मना क्यों करते हैं नूडल्स के साथ भी इससे पहले यही बात जुड़ी हुई थी बच्चे खाना चाहते थे और माँ बाप के चेहरे पे निशान आते थे नहीं यार ये गलत खा रहा है ये नहीं खाना चाहिए तो पहली बार ऐसा बैलेंस आया है जहां पे हमने टेस्ट और हेल्थ को एक साथ मिला लिया है और एक बात आपके साथ और कहना चाहूंगा क्योंकि नूडल्स हर घर में रहता है आप हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे नूडल्स नहीं मिलते या नूडल्स बच्चे नहीं खाते आप एक एक्सपेरिमेंट हमेशा करें एक मार्केट का नूडल बनाए और एक हमारे नूडल बनाए दोनों नूडल सामने बना के रखें आधे नूडल खा लें आधा मार्केट वाला भी खा लें आधा हमारा खा लें तो पहली बात तो आपको टेस्ट में फर्क पता लग जाएगा कि हमारा कितना टेस्टी है उसके बाद बचा हुआ जो आधा नूडल है उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें या पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें पंद्रह मिनट बाद जब आपकी होम मीटिंग खत्म हो जाए जब आपका डिस्कशन खत्म हो जाए तब उन दोनों नूडल को उठा के देखिए मार्केट के जो नूडल हैं वो चिपक के ऐसे बॉल बन जाएंगे और हमारे जो नूडल हैं वो ऐसे ही खिले खिले खुले खुले रहेंगे आप वो खाने लायक रहेंगे तो जो आंखों के सामने है उसको कोई और प्रमाण नहीं चाहिए। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ में चाहूंगा आप नए धंधे की शुरुआत करें चौथा जो प्रॉमिस है वो नूडल्स के साथ जुड़ा हुआ है तीसरी वेव ईश्वर ना करे तीसरी वेव आए पर ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों में आएगी तीसरी वेव में कोविड हो सकता है हमारे बच्चों तक पहुंच जाए तो एक प्रॉमिस और करना है कि हमारे बच्चों को हमें हाई प्रोटीन डाइट खिलानी है Uh, कोशिश करके आप मिक्स मील खिलाइए अगर बच्चे नहीं खाते हैं कुछ और तो नूडल्स खिलाइए केरला से मेरे पास टीम के में डिस्ट्रीब्यूटर्स कई ने उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी है कि बच्चों की प्रोटीन डेफिशिएंसी उन्होंने खाली नूडल्स के साथ पूरी कर दी तो अगले कुछ समय तक बच्चों को हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी है ये चौथा प्रॉमिस है बच्चे हमारा भविष्य है उनके स्वास्थ्य की हमें सुरक्षा करनी है उनके शरीर को हमें मजबूत बनाना है तो ये चौथा प्रॉमिस और मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण प्रोमिस जितने पहले तीन थे एक बार हाथ खड़ा करें सारे साथी कि हम हमारे बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देंगे अलग से एक डाइट आपको जो रोज खानी है वो सबके लिए एप्लीकेबल है पर बच्चों को हमें बहुत बहुत और बहुत सारा प्रोटीन खिलाना है उनकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और इस कोविड के टाइम में लड़ने के लिए भी जरूरी है तो साथियों ढाई हजार बिजनेस का जो टारगेट है मुझे लगता है अगर आप आज के किए हुए प्रॉमिस पे खड़े उतर गए तो ढाई हजार बिजनेस वॉल्यूम हमारी इन चार वादों के साथ पूरा हो जाएगा पक्का आपके घर में अगर आप हाई प्रोटीन डाइट चालू कर देंगे बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देंगे का प्रयोग करेंगे तो ढाई हजार की गारंटी मैं लेता हूं उसके बाद अगर अड़ोस पड़ोस में अगर आप थोड़ी आज जो हमने बात करी है आज जो हमने एक दूसरे से कुछ सीखा है समझा है वो बात अगर आप बाहर करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कोई भी परिवार आपके आसपास का मेरी बहन बेटी दोस्त चाचा चाची भाई हर आदमी इन प्रोडक्ट को यूज करेगा अगर हमने एक बार वो क्रैक कर लिया उस रस्ते पर हम बढ़ गए आगे तो बीस पच्चीस हजार का बिजनेस वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं है साथियों और जो एक नारा हमने जैसे हम कई बार ये नारा हमें नहीं मिलता था अब हमारा गुड डॉट का भी एक स्लोगन आ गया है इस स्लोगन का सही समय है साथियों हमें हर घर गुड डॉट पहुंचाना है घर घर गुड डॉट हर घर गुड डॉट आप जहां भी हैं मन में मेरे साथ एक बार बोलिए घर घर गुड डॉट हर घर गुड डॉट और इस गुड डॉट के साथ में हमें जो अच्छाई है वो अच्छाई भी हमें आगे ले जानी है और जो बात दिनेश जी ने करी जो आज का हमारा मैसेज है कि प्रकृति को हमें वापस देना है और प्रकृति साथियों जितना हमसे बनती है उतना ही इनसे बनती है आज हमें शुरुआत करनी है इनको कुछ वापस देने की आज हमें इस मिशन की शुरुआत करनी है इस मिशन में पूरे मन से लग जाना है और यकीन मानिए एक बार अगर हम इस मन में मिशन में मन से जुड़ गए हमने जो दिन देखे हैं साथियों वो दिन वापस नहीं देखने पड़ेंगे जो दिनेश जी कह रहे थे खुशहाल भारत वापस आ जाएगा खुशहाल दुनिया वापस आ जाएगी हम एक दूसरे से मिल पाएंगे एक दूसरे के घर आ पाएंगे जैसे पहले मिलते थे वैसे गले मिल पाएंगे इसी शुभकामना के साथ मेरी बात को मैं विराम देता हूं अगर आ, कोई साथी अगर बात करना चाहे कोई पूछना चाहे तो बहुत बहुत स्वागत है आ, बहुत शानदार रहा सर और आपका और तो दिनेश जी का जो एक तालमेल बेटा जिस प्रकृति को लेकर के बहुत ही शानदार रहा तो दिल गदगद हुआ सर आपने जो गुडशिप के बारे में बताया वाकई बहुत जोरदार रिजल्ट है घर में सब लोग के एडवांस रख रहे तो सर चौधरी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम एक घंटे के रखते सर था एक्ट एक घंटे प्रोग्राम खत्म हो गया है तो सवाल जवाब अपन करेंगे सर और उदयपुर आपको एक बार बधा सर पर चालू करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सबका स्वागत है मैं चाहूंगा सारे साथ उदयपुर आए हम साथ में यहाँ खूब घूमे और जल्दी से सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए पहले जैसी बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद सर थैंक यू सर